गाइस व्हाट्सअप, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देखो मौसम दिल्ली का कितनी ज़्यादा ठंड है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मैं छत पे आई हूँ गीज़र ऑन करने, क्योंकि कपड़े भी धोने वाले हैं, बहुत काम करने वाला है आज। तो सबसे पहले मैं गीज़र ऑन करती हूँ ताकि काम वाली आए तो उसको वेट ना करनी पड़े। मशीन लगी होएगी तो उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने गीज़र ऑन कर दिया है और मशीन चला देते हैं। इसका काम है सिर्फ पानी से निकालना। ये मेरे लिए रख दिए, देखना सारे स्टैंड भी मैंने साफ कर, और कपड़े भी सूखने मैंने ही डालने हैं। बताओ, ब्रेकफास्ट में बन रहे मूली के पराठे और हमारे घर का ही साफ देखो, ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही होगा और रात की तैयारी साथ ही शुरू होगी। दाल मखनी रखी है मैंने बनने के लिए, और ये मूली के पराठे अभिषेक निश्चय ने नहीं खाने हैं, इनफैक्ट मैंने भी नहीं खाने, क्योंकि मेरे को सिर्फ गोभी और आलू वाले पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो ये सिर्फ मलन साहब के लिए बन रहे हैं मूली के पराठे, और वो अभी उठे नहीं दोनों जाने, जब उठेंगे तो ब्रेकफास्ट तभी होगा, इसलिए साथ के साथ ही डिनर की भी तैयारी हो रही है। बटर के साथ मूली का पराठा खा लो फ्रेंड्स। अब मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड टोस्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये देखो, गाजर, ब्रोकली और बंद गोभी, तीनों को चॉप कर ली। सब्जियां चॉप करने के बाद इसमें मायो डाल दी, शेजवान चटनी, नमक, काली मिर्च, कटा हुआ प्याज बारीक, सब कुछ मिक्स करके फिर डाल दिए कॉर्न्स। बहुत ही बढ़िया स्टफिंग रेडी हो गई। अब ब्रेड के ऊपर चीज का स्लाइस, इसके ऊपर सारी स्टफिंग, दूसरी स्लाइस पे ग्रीन चटनी। टोस्टर बंद कर दिया, बस अभी 5 मिनट में बन जाने हैं टोस्ट। Eventually सैंडविच खा लो फ्रेंड। दाल मखनी की प्रेपरेशन चल रही है, दाल तो मैंने बॉईल कर ली और अब ये तड़का रेडी हो रहा है। बस इतना बढ़िया दाल का मसाला रेडी हो गया, इसको अब मैंने कुकर में डाल देना है और स्लो सेक पे दाल बनती रहेगी, अपनी रात की भी टेंशन खत्म। रात का खाना इसलिए जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि ना कामवाली का कोई पता नहीं होता किस दिन छुट्टी कर जाए, तो उसके आने से पहले ये बन जाएगा खाना, तो बर्तन भी खाली कर दूंगी ताकि अगर वो छुट्टी भी करे तो अगले दिन बर्तन तो कम हुए एटलीस्ट। लेटर दैट सेम इवनिंग, कौन सी चॉकलेट खानी है बोल, इस लड़के को चॉकलेट चाहिए। मैं चॉकलेट मांगी और ये क्या दे रहे हो आप मेरे को? पर्क, वो देख बढ़िया किसेस। ये कौन खाता है? कोई नहीं खाता, तो तेरे को कौन सी चाहिए? डेरी मिल्क सिल्क। 10 चॉकलेट रखी थी मैंने डेरी मिल्क सिल्क की, वहां पे एक भी नहीं मिली, एक भी नहीं बची, मुझे तो कोई मिली नहीं। अब तू जब पड़ी होती है तू खाता नहीं है, और जब अब्बू खा जाता है ऐसे थोड़ी ना होता है, एक दिन में खत्म कर लेता है वो, और ये खानी पड़ेगी, इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाय 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 नचे बेचारा, मन मार के खा रहा है। मेरा मन कर रहा है बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने का, मुझे ये पसंद नहीं आई, डेरी मिल्क खानी थी। मैं देखती हूँ अलमारी में, शायद अगर तेरा लक अच्छा होगा तो शायद मिल ही जाए। अभी मैं देखती हूँ अलमारी में, ढूंढती हूँ, मैंने बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता। ओ माय गॉड, ये तो मिल ही गई, सेलिब्रेशन, दो दो डिब्बे मिल के, वाह भाई, नोनो, ओ मिल गए मिल गए मिल गए, आए देखना खुशी। ये अभी खोलेगा, एक चॉकलेट खाएगा, बाकी सारी चॉकलेट फ्रिज में रख दूंगी मैं, और वो रात रात में ही गायब। अरे हाँ, ये तो मिल गई है, भी वो महंगी वाली, हाय हाय, ओह सॉल्टेड कैरामेल, ओह अरे क्या, ये तो दिवाली पे किसी ने भेजा है लग रहा है। अच्छा दिवाली की अभी तक पड़ी है क्या? तो रेजिन नट ये खाऊंगा मैं, रेजिन नट, बताओ खुशी देखो अब इसकी, चॉकलेट मिल गई। A few moments later. बस सेविंग तो ऐसे हो रही थी जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चॉकलेट खानी है इसने, सिर्फ 2 पीस बस। और कितनी कैलोरीज चाहिए बता? शाम के 6 बज गए हैं, कपड़े उतार के लेके आई हूँ मैं,
हमारे तो दिन की शुरुआत ही इतनी लेट होती है, टाइम का पता ही नहीं चलता कब 6 बज जाते हैं। ये उठता ही 2-2.5 बजे है तो पता ही नहीं चलता दिन कब बीत जाता है। 10 घंटे स्ट्रीम करने के बाद 20 घंटे सोना भी तो पड़ता है। ओहो, दिन में 24 घंटे ही होते हैं 30 घंटे गिनवा रहे हैं, अब फिर जा रहा है ये 6 बज गए बस इसके दिन की शुरुआत हो गई है। अब सही बात है, कपड़े वपड़े सब फैला दिए मैंने, अब मैं नान का आटा गूंदने वाली हूँ। दाल तो मैंने सुबह बना ली थी और नान भी मैदे के नान नहीं बनाने वाले, नॉर्मल आटा जो रोटी बनाते हैं वही आटा मैं गूंदने वाली हूँ। बस उस पर गार्लिक और सूखा पुदीना लगा देंगे, बटर लगाएंगे और बिल्कुल बाजार जैसे नान बनेंगे, हेल्दी लेकिन होंगे नान। और इसके बाद मैं बनाऊंगी फेसबुक के लिए वीडियो, सूप बनाने वाली हूँ क्रीम ऑफ मशरूम। और अगर आपको भी रेसिपी चाहिए तो फेसबुक पे देखना। नान का आटा गूंदने के बाद मैं सूप बनाने लगी थी, लेकिन मेरे पतिदेव को चाय चाहिए, मतलब 6:15 बजे भी चाय चाहिए इनको। आपको पता है जब हम छोटे होते थे ना तो मेरे मम्मी वगैरह ना 4 बजे के बाद चाय नहीं पीते थे, उनका अभी भी यही रूटीन है कि 4 बजे के बाद चाय नहीं पीनी, कहते फिर ना रात को नींद नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ तो 7 भी बज जाए तो मेरे पतिदेव को चाय चाहिए चाहिए। बना रही रखी है चाय मैंने बननी। सुबह इन्होंने पता क्या करा है, आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है तो हम लोग सैर करने नहीं जाते, तो मैं हमेशा की तरह आज भी 5:45 बजे उठ गई थी, लेकिन ये सोए पड़े थे। मैंने सोचा आज भी नहीं सैर करने जाना, मैं लेट गई, अपना उठे खुद चाय बनाई और मेरे को कहते हैं दरवाजा बंद कर ले मैं जा रहा हूँ सैर करने, तो मैंने कहा मैं भी तो जाती हूँ, तो आगे से मेरे को क्या कहते हैं मुझे पार्क में काम, मेरे को पार्क में काम है, बताओ भाई पार्क में क्या काम है, जो काम मेरे साथ भी तो हो सकता है, काम मैं नहीं जा सकती है। मैंने कही ये चाय, लेकिन मुझे ना ये बात समझ नहीं आती कि इस चाय में ऐसा क्या नशा है। कभी कभी दिल करता है कि मैं भी पी के देखूं कि एक्चुअल में चाय होती क्या है, लेकिन फिर सोचती हूँ यार सारी जिंदगी निकल गई चाय पीनी, तो अब क्या पीनी है, छोड़ो। बन गया हमारा क्रीम ऑफ मशरूम सूप, निश्चय को देख के आती हूँ। ओके, तो मम्मी पिछले 2 व्लॉग से बहुत परेशान हो रही थी कि मैं खाना सारा फेंक रहा हूँ, इधर उधर रख देता हूँ ड्रॉर में, है ना मम्मी। तो मैं देखो क्या रहा हूँ आपके लिए, मतलब लाया अपने लिए हूँ, लाया हूँ मम्मी अपने लिए डस्टबिन। ये लड़का ना सुबह से गया हुआ है, सुबह जो मैंने टोस्ट बनाए थे वो खा के गया है, उसके बाद कह रहा है मैं दाढ़ी बना के आ रहा हूँ, और रात के 10 बजे आया है। ये लेके क्या आया है, ये डस्टबिन डाल लिया बैटरी। अच्छा डस्टबिन बैटरी वाला। हाँ ये है ऑटोमेटिक डस्टबिन। हाँ इसमें जब मैं यू करूंगा ना हाँ तो ये अपने आप खुल जाएगा, तो हमारे को 2 बैटरी चाहिए इसमें डालने के लिए, पर इसको खाली तो करना ही पड़ेगा ना, वो ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाएगा। बात तो सही है, अब इसमें एक जगह रख दूंगा ना सारी चीजें। One eternity later। को क्या करना है? ये तो पोपट हो गया, नहीं चला। खाना बनाते हैं, दाल मखनी दिखाऊं कितनी टेम्पटिंग लग रही है देखने में ही, बस नान बनाने लगी हूँ। निश्चय ने तो स्ट्रीम पे खाना खाया तो उसका तो मैं रिएक्शन दिखा नहीं पाई, तो अब मैं आपको रियल फूडी का दिखाती हूँ रिएक्शन। दाल नान कहना है, दाल नान मुझे जैनवन आज भी कल के पिज्जा का स्वाद है अपने मुंह में, इतना स्वाद था। तो दाल मखनी तो दोनों दिन मेरा फेवरेट खाना मम्मी, ये जो तुमने स्वाद डाला इसमें मजा आ गया। मजाक से हटके ये स्वाद मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ।